जनक दाबड़ा जी, ऐसा है जी 21 सदस्य हैं हमारी संस्था में और सारे कर्मठ हैं, पूरे मेहनती हैं, तन मन धन से जितना भी हो पाए सेवा कर रहे हैं और 1700 के करीब 14 साल हो गए हमें अस्थियों का विसर्जन का काम करते हुए और 1700 के करीब अस्थियाँ प्रवाहित कर चुके हैं। प्रेरणा कहाँ से मिली आप लोगों को? ये पहले हमारे साथी थे कि वो लेके जाया करते थे अस्थियाँ अकेले ही, फिर उसके बाद कोई उनको दिक्कत आ गई हुई तो हमारी संस्था के पास नॉलेज में आई बात, तो हमने उसके बाद जो है ले जाना शुरू कर दिया। और मैंने तो भोलेनाथ को बोल रखा है, कह रखा है, विनती कर रखी है कि भाई जब भी अस्थियों का प्रोग्राम बने तो मेरा प्रोग्राम तो साथ में बना दिया करो। हमारा लालच उसमें एक ही होता है, एक तो अस्थियाँ विसर्जन हो गई, गंगा स्नान हो गया, नीलकंठ दर्शन हो गए, तो उस हिसाब से करवा के आते हैं। तो सर इसका खर्चा की बात करें तो खर्चा कौन? खर्चा जो सदस्य लेके जाते हैं जी उनकी जेब से होता है। वैसे पहले तो हम किराए की एम्बुलेंस में लेके जाया करते थे, अब संस्था के पास अपनी एम्बुलेंस है, अपनी एम्बुलेंस में लेके जाते हैं, बाकी गाड़ियाँ और भी जाती हैं, हाँ जी, तो वो जो भी आदमी जाता है, कुछ लोग वहाँ मौके पे दान भी दे देते हैं अस्थियों के लिए, परंतु हम वो दान का पैसा उसी काम में ही लगाते हैं, पंडित जी को दक्षिणा दे दी या और हमारी गाड़ियों का डीजल या हमारा खाने पीने का खर्चा वो हम अपनी जो सदस्य जाते हैं वो अपनी जेब से ही करते हैं। सर आप लोगों को किस तरह से पता चलता है कि यहाँ अस्थियाँ? हमने एक आदमी रखा हुआ है जी और वो थैलियाँ लेके दे रखी है, उसको पूरा विधि विधान से गंगा जल छिड़क के, गुलाब के फूल वगैरह छिड़क के उस अस्थियों को इकट्ठा करके रख देता है। हम टाइम टू टाइम पता करते रहते हैं वहाँ से, या वो खबर कर देते हैं अभी इतनी अस्थियाँ हो गई हैं। लगभग 3-4 महीने के अंदर हम अपना प्रोग्राम बना लेते हैं अस्थियाँ लेके जाने का और वहाँ अस्थियाँ प्रवाहित करके जो पंडित जी हमारे पूरे विधि विधान से ब्रह्मा मुहूर्त में जो है पूरे मंत्रोच्चारण के साथ प्रवाहित करवाते हैं। वहाँ पंडित जी के पास नाम वगैरह, उनके नाम तो हमें नहीं पता होता, लावारिस जिनके अस्थियाँ होती हैं, और हम अपने सदस्यों के नाम जो है वहाँ लिखवा के आते हैं। और रास्ते में भी हम जैसे खाना वगैरह खाते हैं, चाय पीते हैं, जैसे अपने किसी परिवार के मेंबर का वहाँ उनके लिए निकालते हैं भोग वगैरह, उनके लिए भी हम पूरी व्यवस्था पूरे श्रद्धा से विधि विधान से करवा के आते हैं। यानी कि लवारिस अस्थियों को आप लोगों की संस्था द्वारा हरिद्वार किया जाता है विसर्जित? हाँ जी।